तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के लिए, यानी कल के लिए। तो इससे पहले आज का जो सिनेरियो था मैं आपको समझा देता हूँ। आज मैं आपको एक हीरो जीरो कॉल दिया था जिसमें कि ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट नहीं हुआ। लगभग आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा इसमें, 500 to 600 का लॉस था, जो कि ऑप्शन में कुछ बड़ा बात नहीं है। इसके साथ साथ मार्केट में और भी बहुत सिनेरियो था जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, स्पॉट टू स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ नॉलेज चाहिए टेक्निकली। आप अगर साउंड हो गए तो इस टाइप का मार्केट में आज ट्रेड कर सकते थे। एक्चुअली मार्केट में आज क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं हुआ। मैं जैसे कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके अभी दिखा रहा हूँ, दो ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाऊँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा गिरावट तो हुआ। 60 to 70 पॉइंट का गिरावट हुआ, जिस पॉइंट में आप एंट्री भी कर सकते थे। लेकिन हम वहाँ पे थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व था, इसीलिए मैं छोटा सा हीरो जीरो कॉल दिया था जिसमें कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर होता। ठीक है, तो एक्सपायरी डे में ज़्यादा लॉस करने का ज़रूरत नहीं है। छोटा सा लॉस हो गया तो चलेगा, क्योंकि और सब दिन में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो कल के लिए सिंपल सा निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। अभी वॉल्ट क्यूब जैसे दिख रहा है मार्केट, थोड़ा गैप अप चल रहा है डाउ जोन्स और नैसडैक। तो इसके हिसाब से निफ्टी में भी, निफ्टी फ्यूचर में भी 40 to 50 पॉइंट्स का यहाँ पे अपसाइड चल रहा है मार्केट। लगभग मार्केट 17,320 तक भी गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल 17,290 to 300 के आसपास मार्केट रन कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, कल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है, 20 to 30 पॉइंट के गैप अप ओपन हम देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे दो दो ट्रेंड लाइन ड्रा किया हूँ, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा एक फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट में। तो जब भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, ये केसेस में आपको ट्रेड करना सेफ नहीं होता, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल केसेस में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं अगर कोई भी एक साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट 17,225 के ऊपर ओपन होता है, मतलब लगभग 300 के आसपास अगर ओपन होगा, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद मार्केट में ट्राई टू टच 17,340, ठीक है, 350 का टच कर सकता है, 17,350। नहीं तो अगर निचले हिस्से में अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट 17,150 को ब्रेक कर लेता है, तो यहाँ पे आपको 16,900 को 900 सॉरी 17,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है निचले हिस्से में। यहाँ पे जो दो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, इसके हिसाब से कोई भी केसेस में जो जिस ही साइड में आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रहेगा, तो इस केस में आपको एंट्री, आप लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं छोटे ट्रेडर के लिए बोलूँगा और जो सेफ ट्रेडर है उन लोगों के लिए बोलूँगा कि कल मार्केट में दोनों तरफ का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि कल फ्राइडे, मतलब फ्राई होता है, प्रीमियम फ्राई होता है, प्रीमियम डीके होता है, बहुत सारा डीके होने का चांसेस है। तो इस केसेस में अगर आप सेफ ट्रेडर हो और छोटे ट्रेडर हो, तो कल के केसेस में आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रह सकते हैं। लेकिन हमारा जो इक्विटी वगैरह कॉल्स जो आपको मिलेगा, उसमें आप कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे मेंबर्स का ज़्यादा लॉस हो। तो हमारा यही टारगेट हमेशा रहता है कि आपका लॉसेस बहुत कम हो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में है तो आप ये वाला जान सकते हैं। दूसरे टेलीग्राम चैनल के हिसाब से हमारा टेलीग्राम का जो खासियत है कि हम छोटे ट्रेडर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिन लोगों का कैपिटल कम है, तो उसी स्मॉल कैपिटल में कैसे उन लोगों का बड़ा प्रॉफिट होगा, ये हमेशा हम ट्राई करते हैं। तो ठीक है, तो हम रेकमेंड करेंगे आप हमारे कॉल में काम कीजिए, लेकिन बेटर होगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखोगे तो मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। किसी की कॉल पे अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे और कॉल पे अगर काम करते जाओगे, तो आपका ग्रोथ कुछ नहीं होगा, सब हमेशा आप किसी के ऊपर डिपेंड करते रह जाओगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारा जो सेटअप के साथ काम कीजिए और हमारा ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। आपको अगर कोई भी ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है, किसी का भी ट्रेनिंग अच्छा लगता है, किसी कोई भी स्टॉक ग्रुप का ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है, आप वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस लेवल, जो स्टॉक मार्केट का लेवल जो है, वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे होगा। क्योंकि हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि बार बार लॉस करने से अच्छा है कि कुछ फीस दे के आप ट्रेनिंग ले जाइए, और ये जो फीस है, आप दो चार सेशन में आप अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हैं अगर ये वाला ट्रेड सेटअप आपको मिल जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।